आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से चलाए जा रहे 75 साल और 75 व्याख्यान की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं मनीष मिश्र आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याख्यानों की इस कड़ी में आज यह हमारा 38वां व्याख्यान है और हमारे साथ श्रोत विद्वान के रूप में जुड़े हुए हैं केरल से भाई डॉक्टर रजनीश कुमार मिश्रा। आप सहायक प्राध्यापक हैं भाषा विज्ञान और साहित्यिक अध्ययन संकाय चिन्मय विश्वविद्यापीठ केरल में। और मैं लगातार पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ कि दक्षिण में, चाहे उस समय आप पौंडीचेरी में रहें या जगह जगह दूसरी जगहों पे आप सेवा कार्यों से जुड़े रहें, वहाँ से निकलने वाली पत्रिकाओं को लेके या वहाँ पे होने वाली संगोष्ठियों, परिसंवादों, कार्यशालाओं में लगातार एक दखल भाई रजनीश की बनी रहती है। पत्रकारिता, मीडिया, ब्लॉगिंग और इस तरह के विषयों को लेके लगातार भाई रजनीश लिखते रहते हैं। और आज जिस विषय पर भाई रजनीश अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करेंगे वह है भूमंडलीकरण और हिंदी समाचार पत्र। मैं अकादमी की तरफ से भाई डॉक्टर रजनीश मिश्र का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आएँ और आज के इस विषय पर आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। भाई रजनीश मिश्र, सर्वप्रथम मैं आपकी इस 70 वर्ष 75 व्याख्यान श्रृंखला में आपने मुझे अवसर दिया जैसे आभारी हूँ। और जैसा कि आपने मुझे बताया विविध माध्यमों से मुझे ज्ञात हुआ कि इस श्रृंखला में आपने कई सारे आयोजन किए हैं और कई सारे आयोजन अभी आगामी रूप से हमें देखने, तो उन सभी के लिए आप बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो संपन्न हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। तो मुझे मेरा परिचय दिया, परिचय मेरा नाम डॉक्टर रजनीश कुमार मिश्रा, दक्षिण भारत में कई वर्षों से काम करने के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय और वर्तमान में चिन्मय विश्वविद्यालय एर्नाकुलम सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत। और जैसा कि मुझे आज इस आयोजन में व्याख्यान और विषय जो है हिंदी समाचार पत्रों और भूमंडलीकरण, वर्तमान समय में जो एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं वह है मीडिया। मीडिया आज के जमाने में, आज के समय में कोई भी ऐसा दिन नहीं है, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब समय व्यतीत करते मीडिया का दखल हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, देश में, विश्व में और जहां भी मनुष्य है, जीवन है, वह मीडिया सबको निश्चित रूप से प्रभावित करता है, चाहे वह ज्ञात हो, आपके संज्ञान में हो या ना हो, आपके जीवन में मीडिया का दखल बराबर। लेकिन जो मीडिया का दखल हमारे जीवन में है, यह मीडिया क्या हमेशा से ऐसा था? यह मीडिया क्या अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी इतना इतना असरदार था, लोगों के जीवन में इसका इतना असर था? तो इसका उत्तर होगा हाँ। मीडिया हमेशा से अपने समाज में, जब से इसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति के विषय में कई सारी अलग अलग सिद्धांत प्रचलित है, कई से हिंदू मिथक के अनुसार नारायण जी को मीडिया का प्रथम व्यक्ति के रूप में जब प्रचारित किया है, तो समय समय पर ना विश्व के ब्रह्मांड में घूम घूम कर हर देवताओं के पास यह समाचार पहुंचाते थे, तो असरदार तो है ना। आप लोगों ने जानते हैं कि आपको जानते हैं ये बात कि नारद जी के एक देवता से दूसरे देवता तक जाने में एक
भगवान से दूसरे भगवान तक जाने की सूचनाएं कैसे पहुंचती थी। उसी प्रकार या हर समाज में, चाहे ऐतिहासिक समाज रहा हो, चाहे ये हमारी प्रारंभिक अवस्था का समाज रहा हो, चाहे मध्यकालीन समाज रहा हो, और चाहे अभी वर्तमान आधुनिक समाज रहा हो, चाहे आधुनिकीकरण के बाद का समाज रहा हो, और आज जब ये वैश्विक जगत है, भूमंडलीकरण जगत है, तब का समाज रहा हो, मीडिया मौजूद है, और सब समय में अपने क्षेत्र में फैले हुए होने के बाद कितना प्रभावकारी रहा है, इसकी कई सारे उदाहरण हमारे इतिहास लेखों, उपन्यासों में, किताबों में जो है दर्ज है। सो आज हम लोग जो है इसी क्रम में बात करेंगे समाचार पत्रों के विषय में। समाचार पत्र मीडिया का एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सशक्त है ना, और सबसे असरदार है ना। समाचार पत्रों में यही एक मौलिक अंतर है, जो न्यू मीडिया है वह भी बहुत असरदार है, लेकिन जो समाचार पत्र है वह एक गंभीरता के रूप में, प्रतीक के रूप में लिया जाता है ना? जैसे आज न्यू मीडिया की हम चर्चा करेंगे, समाचार पत्रों की हम चर्चा करेंगे, तो न्यू मीडिया असरदार है। आप जानते हैं कि आज के जमाने में सरकार तक अपनी बात पहुंचानी हो, पॉलिसी मेकर तक अपनी बात पहुंचानी हो, या किसी मुद्दे को लोगों के बीच तक पहुंचाना हो ना, हैशटैग जिंदाबाद है, आप लोग हैशटैग कीजिए, ट्वीट कीजिए ना, टैग कीजिए, ट्रेंड कराइए, और ये बातें जो है गांव में बैठे व्यक्ति की बातें जो है वैश्विक जगत के रूप में जो है पहुंच जाती है। कई सारे इसके जीवंत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कुछ वर्ष पहले केरल में बाढ़ आई थी और कई सारी मदद जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यू मीडिया के माध्यम से सरकार के द्वारा पहुंचाई गई, लोगों को अपनी बात, मदद सरकार तक पहुंचाई गई, सरकार ने उसका उत्तर और उस समस्या का समाधान करने की कोशिश, तो ये न्यू मीडिया का है। लेकिन न्यू मीडिया की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, न्यू मीडिया की अपनी कुछ सीमाएं हैं, और यह जो सीमाएं हैं वो समाचार पत्र से अलग करती है। समाचार पत्र किसी भी ज्वलंत मुद्दे के विषय में एक गंभीर विवेचन की मांग करती है समाचार पत्र के द्वारा। समाचार पत्र किसी भी विषय को सोच कर, समझ कर और बड़ी गंभीरता के बाद अपने पहुंचाता है। कई सारे विभिन्न चरण होते हैं, कॉपी एडिटर के द्वारा, सब एडिटर के द्वारा, संपादक के द्वारा, प्रधान संपादक के द्वारा, उन चरणों को पार करने के बाद समाचार विचार समाचार पत्र में स्थान पाते हैं। तो एक लंबा चरण है, समय भी रहता है 20 घंटे 24 घंटे के आसपास प्रकाशन, लेकिन न्यू मीडिया ज्वलंत मुद्दों को तुरंत है ना उठा देता है, विचार करने का अवसर भी नहीं होता, और लोग अपनी भावनाओं में आकर न्यू मीडिया के माध्यम से बात करते हैं। इसलिए न्यू मीडिया और समाचार पत्र है ना, दोनों में यह एक मुख्य अंतर जो है हम देख सकते हैं कि समाचार पत्र के द्वारा से विवेचन प्रस्तुत किया जाता है, जबकि न्यू मीडिया है ना जो त्वरित भावनाएं हैं, जो स्फुट भावनाएं हैं, उसका विवेचन है। तो यह दोनों मौलिक अंतर है आज के जमाने। लेकिन हम लोग को बात करनी है भूमंडलीकरण और समाचार पत्र की। न्यू मीडिया भूमंडलीकरण का एक बाय प्रोडक्ट है, जो ये वैश्विक जगत है, विश्व है, इसका बाय प्रोडक्ट है। भूमंडलीकरण के बाद 1990 के दशक, 1992 के बाद इंटरनेट का प्रादुर्भाव होता है, वेब
2.0 का प्रादुर्भाव होता है और इंटरनेट के माध्यम से फिर वेब 2.0 और है ना टू वे कम्युनिकेशन की शुरुआत हुआ। तो जो न्यू मीडिया है वह आपको आपके विचार जो आम पब्लिक के विचार है वह लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसके उसके लिए एक स्पेस मुहैया कराता है। समाचार पत्रों में भी ऐसा था, पत्रों में क्या था कि वो पाठकों के नाम पत्र में पर बहुत सीमित स्थान था। अब न्यू मीडिया में बहुत व्यापक रूप से अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा समाचार पत्रों में लिमिटेशंस थी, तो न्यू मीडिया के द्वारा कार्य हुआ है वह कार्य है टू वे कम्युनिकेशन। एक विषय पर चाहे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो वो सभी अपने विचार रख सकते हैं बिना किसी देश की सीमा का ध्यान रखे हुए, बिना किसी जिले की सीमा का, बिना किसी भाषा की सीमा का ध्यान रखे हुए। तो ये न्यू मीडिया और भूमंडलीकरण का एक जो समाचार पत्रों में इसकी लिमिटेशन, लेकिन समाचार पत्रों की जो गंभीरता है वह मैंने आपसे पहले कहा कि उनके उसके पास समय सीमा और उससे जुड़े हुए लोग एक बड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी लीगल सीमाएं होती हैं, बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाओं का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा गंभीर और विवेचन समाचार पत्र में होता है। तो समाचार पत्र और भूमंडलीकरण यह विषय इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसके माध्यम से हम यहाँ भूमंडलीकरण के बाद का जो समाज है और भूमंडलीकरण के पहले का जो समाज है यह समाज कैसा बदला है, कैसे बदलाव आए। क्योंकि समाचार क्या होता है, एक दर्पण है, जैसे हम साहित्य समाज का दर्पण कहते हैं वैसे ही समाचार पत्र भी एक समाज का दर्पण है, एक या एक तरह का साहित्य है, समाचार पत्र भी एक तरह का साहित्य है, एक एक प्रकार का इतिहास है। समाचार पत्रों के अध्ययन के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि पहले के जमाने में किस तरह के घटनाएं, किस तरह की घटनाएं घटी और उस समय के बुद्धिजीवियों ने किस तरह के अपने विचार प्रस्तुत किए, यह सब चीज एक उत्तरदायित्व के साथ समाचार पत्रों के अंकों में, पृष्ठों में दर्ज रहते हैं। इसीलिए जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास कहा जाता है समाचार पत्र। तो समाचार पत्रों के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि कोई भी समाज कैसा रहा हो। भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत के विषय में आप जानते हैं कि भारत में समाचार पत्र जेम्स ऑस्टिन हिकी गजट के माध्यम से और हिंदी समाचार पत्र उद्धरण मार्तक पंडित जगत संस्कृत के माध्यम से और इसके अलावा कई सारी पत्रिकाएं हिंदी में, बांग्ला भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद धर्म ग्रंथों के लिए प्रकाशन के लिए व्यवस्था थी, बाद में समाचार पत्रों के लिए प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग होने लगा, समाचार पत्र अस्तित्व में आए। लेकिन शुरू से ही है ना भारत में भी और ना पूरे विश्व में ही समाचार पत्र शुरू से ही समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाते रहे। तो वह एक तरह का भूमंडलीकरण के बाद जो समाचार पत्र है वह किस तरह बदले, किस तरह उनके मुद्दों में, उनके लेखों में, उनके समाचार चयन की प्रक्रिया में बदलाव है, उसके माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या है
और भारतीय समाज में भूमंडलीकरण का प्रभाव समाचार पत्र सबसे उपयुक्त माध्यम है। और इसके लिए हम समाचार पत्र को रूपों से जो है देख सकते हैं। पहला रूप यह है कि समाचार पत्र के प्रकाशन में भूमंडलीकरण के द्वारा किस प्रकार का परिवर्तन आया है ना। दूसरा सकते हैं कि समाचार पत्रों के प्रकाशन के बाद उसके जो पठन पर पाठन है उसमें किस तरह के परिवर्तन आए। और तीसरा यह समाचार पत्रों के विषयों में किस तरह का परिवर्तन है। इसके माध्यम समाचार पत्रों का भूमंडलीकरण से पहले और भूमंडलीकरण के परिवर्तन के माध्यम से समाज को इंगित कर सकते हैं ना। समाचार पत्रों के का महत्व समाज में क्यों है ना, इसके विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वह अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने बात की। उन्होंने लिखा, मुझे कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि आप समाचार पत्र के बिना सरकार और सरकार के बिना समाचार पत्र जैसे किसी ओक को चुने एक को चुने तो मैं निसंकोच दूसरे विकल्प को चुनूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन 1743 से लेकर 1826 तक उनका कथन है। तो उन्होंने समाचार पत्र को समाज का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना और कहा कि मुझे सरकार के बिना समाचार बिना सरकार ये दोनों विषय में से किसी एक विषय का चयन करने को कहा जाए तो मैं निश्चित रूप से दूसरे विकल्प का चयन करूंगा। दूसरा विकल्प क्या है कि समाचार पत्र रहे सरकार रहे समाचार पत्र इतना जरूरी समाज। तो इसलिए यह जो व्याख्यान है भूमंडलीकरण और समाचार पत्र हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि समाज का जो परिवर्तन है वह भूमंडलीकरण के पहले और भूमंडलीकरण के बाद जो परिवर्तन है किस रूप से। तो मुख्य रूप से तीन उसको हम तीन माध्यम से देख सकते हैं। पहला आप जानते हैं कि समाचार पत्र जो रजिस्ट्रेशन है ना वो RNI के द्वारा किया जाता है, भारत सरकार की संस्था है। तो RNI प्रतिवर्ष संबंधित आंकड़े जारी करती है इसके प्रकाशन से और हर भाषाओं को लेकर है ना, हर सर्कुलेशन के समय को लेकर, भाषा को लेकर, विज्ञापन को लेकर, सर्कुलेशन को लेकर, लीडरशिप को लेकर है ना आंकड़े जारी करने का काम प्रतिवर्ष की रिपोर्ट करती है। तो यह सबसे बेहतरीन माध्यम है कि अगर आप आंकड़े वाइज अगर आप सर्कुलेशन वाइज भूमंडलीकरण से पहले और भूमंडलीकरण के बाद समाचार पत्र को देखना चाहिए। तो भूमंडलीकरण से पहले का जो समाचार पत्र है ना, लोग ऐसा कहते हैं कि भूमंडलीकरण के कारण ना समाचार पत्रों का सर्कुलेशन कम हो नहीं पड़ेंगे, समाचार पत्रों के अस्तित्व को संकट पैदा हो गया है। तो यह बात बहुत हद तक सही है, कहां के लिए, पश्चिमी देशों के लिए, जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिकन जैसे कंट्री है या देश है, उनके लिए यह बात कई हद तक जो है सही है। और यहां देखने को भी आया कि भूमंडलीकरण के कारण, विकास के कारण इन देशों में समाचार पत्रों के अस्तित्व में खतरा आया है ना। समाचार पत्रों को अपनी सर्कुलेशन के लिए कई सारे मूल जुल बदलाव करने पड़े और कई लोगों को अपने सामग्री जो प्रकाशित होती है उसमें बहुत बदलाव करने पड़े, प्रकाशन की अवधि को लेकर कई बदलाव करने पड़े, अपन की पॉलिसी को लेकर बदलाव करने पड़े और
कई जगह पे समाचार पत्रों के बंद होने तक का संकट जो है पश्चिमी देशों में देखने को मिला है। लेकिन भारत में भूमंडलीकरण की शुरुआत जब 1992 के भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री थे उस समय, सभी लोग को विदित है बात, भूमंडलीकरण के लिए जो है पॉलिसी जो है शुरू हुई। जो एलपीजी की पॉलिसी भारत में आई, लिबरलाइजेशन ना प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो विश्व पटल पर भारत की एंट्री हुई, समाचार पत्रों स्पेशली हिंदी समाचार पत्रों और ना ही हिंदी पत्रों भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। और यह परिवर्तन समाचार पत्रों के हर परिदृश्य में आप देख सकते हैं, है ना, उसके सर्कुलेशन में आप देख सकते हैं, उसकी पाठक संख्या में देख सकते हैं, उसके विज्ञापन में देख सकते हैं, उसकी सामग्री में देख सकते हैं। और यह जो यह भारतीय समाज के परिवर्तन का घोतक है, यह केवल समाचार पत्र का परिवर्तन नहीं है, क्योंकि समाचार पत्र दैनिक रूप से लिखा हुआ इतिहास है। तो वह समाचार पत्र जो भारत में स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध था, भारतीय समाज के लिए प्रतिबद्ध था, समाचार पत्र 1900 से लेकर 1950 तक या 1960 तक आजादी के बाद भी जो समाचार पत्र था, वह समाचार पत्र अब परिवर्तित होने लगा। और भूमंडलीकरण के बाद यह परिवर्तन व्यापक है। तो यह केवल समाचार पत्र का परिवर्तन नहीं है, यह परिवर्तन पूरे भारतीय समाज का परिवर्तन है। इसको कैसे देखेंगे हम? इसको हम देखेंगे कि समाचार पत्र का प्रकाशन जब हुआ 1990 से पहले और 1900 के बाद, तो इसका जो सर्कुलेशन है वह व्यापक रूप से हम देख सकते हैं। में भारत में जहां 448 समाचार पंजीकृत थे, वह 1971 में 821 हुए और 1981 में संख्या बढ़कर 1173 हो गई। लेकिन जब हम इसको 1991 के बाद इस देखेंगे तो भारत में समाचार पत्रों की जो रजिस्ट्रेशन है ना, कौन सा टेली न्यूज पेपर रजिस्ट्रेशन, वह संख्या बढ़कर 2856 तक पहुंच जाती है ना। यह आपको व्यापक रूप से देखने को मिलेगी 1991 की। और बात 2001 तक आते आते यह संख्या 5300 अब भूमंडलीकरण जब पूरी तरह से विस्तृत हो जाता है तो इसका असर और व्यापक 2011-12 तक यह संख्या 10,000 कह रहे थे कि भूमंडलीकरण के कारण भारत में समाचार पत्र बंद होने की कगार पहुंच जाएंगे, उनका यह अनुमान इसके विपरीत है। तो भारत में समाचार पत्रों का रजिस्ट्रेशन संख्या जो है वह लगातार कई सारे कारण जो है अलग अलग शोध अध्ययन में जो प्रस्तुत किए गए हैं, कनाडा से इनका संबंध है। तो इन्होंने एक समाचार पत्र, भारतीय समाचार पत्रों के अध्ययन के लेकर एक किताब लिखी, हिंदी समाचार पत्र पर कई सारे शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किए। उन्होंने कई सारे कारण बताए, इसके कारण एक मुख्य कारण ऐसा है कि भारत में जो रजिस्ट्रेशन है वह बढ़ने के जो मुख्य कारण बताया उन्होंने, वह लिटरेसी रेट, लोगों में जागरूकता बढ़ गई है, भारत में शिक्षा दर बढ़ गई है भूमंडलीकरण के बाद।
मुख्यतः मूलतः भारतीय भाषाओं के विषय में हमने बात कही थी, लेकिन अंग्रेजी समाचार पत्रों के साथ भी ऐसा है, उनकी संख्या भी है, व्यापक रूप से भूमंडलीकरण की बात करती। तो एक बात के समाचार पत्रों की संख्या में विस्तार हुआ भूमंडलीकरण। दूसरा जो सर्कुलेशन भी हम अगर देखेंगे तो 1961 में जहां यह जो संख्या है ना वह 5 करोड़ 33 लाख के आसपास थी, है ना, और उसका जो विकास है वह इतना इतना इतनी गति से नहीं हुआ। वो 1981 में जो है 15 करोड़, है ना, फिर 1991 में 24 करोड़, लेकिन उसके आंकड़े और ग्रोथ रेट जब आप देखेंगे तो 2001 में और 2011 में, स्पेशली 11 में जो है ना, वो 196 करोड़ जो है पाठक संख्या जो है पहुंच जाती है। तो ये जो ग्रोथ रेट है समाचार पत्रों का वह भारतीय समाज में जो लिटरेसी है ना, लोगों की जागरूकता, खाली लिटरेसी नहीं, साक्षरता ही नहीं, क्योंकि खाली साक्षरता को विषय मान लिया जाए तो है ना यह समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति साक्षर है और समाचार पत्र पढ़े। जागरूकता है ना, समाचार पत्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है? जागरूकता, जो व्यक्ति अपने समाज के प्रति हो रही घटनाओं को और तो यह जो बात मैं कर समझ आ रही है, सो ये जो बात मैं कह रहा था सर्कुलेशन को लेकर, या सर्कुलेशन जो इतना बढ़ रहा है वो केवल इसलिए नहीं कि लिटरेसी में बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रहा है कि भारतीय समाज में भूमंडलीकरण के बाद जो विभिन्न माध्यम आए समाचार के, मीडिया के, न्यूज मीडिया के, तो लोगों को जागरूकता बढ़ी है समाज में हो रही घटनाओं को लेकर, समाज में जो विभिन्न सरकारी पॉलिसी है ना, और घटनाएं हैं, चलन मुद्दे हैं, इस विषय को लेकर लोगों में जागरूक, और ये जागरूकता का कारण समाचार पत्रों का सर्कुलेशन का बढ़ना, समाचार पत्रों के रजिस्ट्रेशन का बढ़ना, या ये सब इसके लिए जो है मुख्य कारण। तो ये हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। तीसरा भारतीय भाषाओं को लेकर, कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के साथ क्या हुआ है ना, तो मैं इसमें बता दूंगा आपको कि सबसे ज्यादा जो विस्तार देखने को मिला है भूमंडलीकरण के बाद वह हिंदी समाचार पत्रों, हिंदी समाचार पत्रों का विस्तार भूमंडलीकरण के बाद जिस तेजी से भाषाओं का विभिन्न आंकड़े आपको आरएनआई साइट मिल जाएंगे, या विभिन्न जो एजेंसीज हैं जो समाचार पत्रों मीडिया को लेकर शोध करती है उनकी वेबसाइट पर आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो ये सब आंकड़े को आप देखने के बाद आप पाएंगे कि जो हिंदी समाचार पत्र है उसका विस्तार सबसे व्यापक रूप में हुआ है। कारण भी इसके स्पष्ट है, हिंदी बोलने वाले, पढ़ने वाले और समझने वालों की जो संख्या है भारतीय समाज में वह अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में अधिक है। नहीं तो अगर जागरूकता के माध्यम देखेंगे तो मलयालम समाचार पत्र है, यहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, समाज के प्रति जागरूकता, इस कारण यहाँ पे मलयालम भाषा के समाचार पत्रों की संख्या ज्यादा है। और यह बात तेलुगु के साथ भी है, वहां पे तमिलनाडु है तो मलयालम का मातृभूमि है, देशभर प्रजातंत्र, कई सारे समाचार पत्र फिर भारत में जिनकी जो सर्कुलेशन है पाठक संख्या है या काफी ज्यादा है, तो हिंदी के साथ यह बात सामने आती है। अब रही बात ये इनको मॉडलीकरण के बाद जो पहला पॉइंट है सर्कुलेशन लीडरशिप इसके बारे में, दूसरा बात अंतर वस्तु में परिवर्तन किस तरह का, कंटेंट किस तरह का बदल रहा है। तो जो समाज है, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, इतिहास समाचार पत्र क्या है, वो दैनिक इतिहास है। तो समाज का जो दैनिक इतिहास बदल रहा है वो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, आप
समाचार पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि कई सारे अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों में एक कॉलम होता है ना। वह कॉलम कई बार संपादकीय पृष्ठों पे होता है, कई बार जो कई अन्य पृष्ठों पे होता है। उसमें क्या होता है कि आज की तारीख में, आज से 50 वर्ष पूर्व है ना, या आज की डेट पे आज से कई वर्षों पूर्व क्या घटनाएं हुई थी, उसका क्रम दिखाया होता है। और समाचार पत्र में उस दिन कैसा वहां प्रकाशित हुआ था या भी उसमें देख सकते हैं। या कई सारे अंग्रेजी के समाचार पत्रों ने प्रचलन शुरू किया है, हिंदी के समाचार पत्र भी, कुछ समाचार पत्र दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स और कई समाचार पत्र इस तरह के छाप रहे हैं कि आज के दिन क्या हुआ। तो वह जो घटना है समाचार पत्र में उस दिन किस रूप में प्रस्तुत हुई, आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, वह आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके माध्यम से आप उस समय के समाज को देख सकते। तो इसलिए समाचार पत्र की जो सामग्री है, जो कंटेंट है ना, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भूमंडलीकरण के पहले और भूमंडलीकरण के बाद के समाचार पत्रों का जो सामग्री चयन की प्रक्रिया है, सामग्री का जो अंतर्वस्तु विश्लेषण है, उसके माध्यम से आप जान सकेंगे कि पहले किसी घटना को लेकर समाज किस तरह की बातें सोचता था और समाज आज उस घटना को लेकर किस तरह की बातें सोचता है। तो ये जो परिवर्तन है समाचार पत्रों में किसी घटनाओं का, वह उस समाज के विचारों के परिवर्तन को इंगित करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हिंदी का एक बहुत प्रमुख समाचार पत्र है ना, जनसत्ता। आप सब जानते हैं हिंदी साहित्य में इसका कई बार उल्लेख होता है। इसके तो संपादक थे, संस्थापक संपादक थे प्रभास जोशी जी। वो हिंदी में एक जाना माना, न केवल हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी पत्रकारिता जगत के लिए। तो प्रभास जोशी जी जो संपादकी है, वह एक प्रगतिशील लेखक के रूप में जो है विचारक। तो जब यह जनसत्ता समाचार पत्रों में राजस्थान की एक घटना है ना, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख होती है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बन जाती है, तो भारत के जितने भी प्रगतिशील समाचार पत्र हैं, चाहे अंग्रेजी के हो, वह एक अलग दृष्टिकोण से उस समाचार पत्र के अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन प्रभात जोशी का विचार जो है जनसत्ता के माध्यम से प्रस्तुत है, वो आज भी आप समाचार पत्रों में देख सकते हैं, पुराने आर्काइव में देख सकते हैं कि बहुत हद तक उसको जो है लोगों की मान्यता, लोगों की भावना के रूप में सत्य प्रथा का जो है समर्थन किया गया। बाद में इसकी आलोचनाएं भी है, बाद में कई लोगों ने इसके विषय में लिखा, अरे बहुत ज्वलंत मुद्दा उस समय का रहा। तो वह उस समय के समाज का जो व्यू है वह समाचार पत्र। तो यह भूमंडलीकरण के पहले और बाद के विचारों में ऐसे कई सारे मुद्दे हैं ना, जैसे स्त्री विषय मुद्दे हैं, पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं, स्थानीयकरण है समाचार पत्र है ना। भूमंडलीकरण का ग्लोबल होना चाहिए ना, विषय तो विषय तो ग्लोबल हुए ही है ना, उतना ही लोकल भी हो गए। तो ग्लोबल जो टर्म है वह भूमंडलीकरण के बाद न्यूज मीडिया में प्रचलन, ग्लोबल विथ लोकल। ये सप्लीमेंट्स है समाचार पत्रों में जो आप देखते हैं कि एक 40-40 पृष्ठ के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, ये भूमंडलीकरण के पहले नहीं। तो ये सप्लीमेंट जो परिशिष्ट पत्रकारिता की शुरुआत हुई है, वह भी भूमंडलीकरण के बाद हिंदी समाचार पत्र के स्थानीयकरण हुआ है ना। आपके बगल के हर समाचार पत्र में जो है समाचार मिल जाएगा कि आपके बगल के घर में क्या हो, इतना स्थानीयकरण कर दिया गया। पहले समाचार पत्र में समाचार प्रकाशन के लिए जो जगह मिल जाती है वही एक बड़ी घटना थी ना। पर आज के समय में है ना, क्योंकि परिशिष्ट हो गए हैं, कई सारे पृष्ठ प्रकाशित होते हैं, समाचार पत्र ऑनलाइन प्रकाशित होते हैं, जगह का अभाव नहीं रहा है, टेक्नोलॉजी में विकास हो गया है, कई सारे विषय हैं जिसके कारण समाचार पत्र घर घर तक पहुंच गए।
और घर घर की खबरें समाचार पत्र चुका है। तो यह भूमंडलीकरण का प्रभाव है, अंतर विषयों में अंतर वस्तु में जो है बदलाव होना शुरू हो गया है। परिशिष्ट पत्रकारिता, स्थानीय आपके स्थानीयकरण, इस तरह के जो मुद्दे हैं वह आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो विषय है ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने एक बहुत अध्ययन किया था इस विषय में, तो महत्वपूर्ण बात जो निकल सामने आई थी वह है कि भूमंडलीकरण से पहले, अब भूमंडलीकरण के बाद किसी एक समाचार पत्र को मैंने शोध के लिए मैंने चयन किया था, और शोध में मैंने उसके पुराने आर्काइव अंकों का अध्ययन किया, और भूमंडलीकरण के बाद के समाचार पत्रों के एक सीमित संख्या का जो मैंने अध्ययन किया, नमूना चयन पद्धति जब अध्ययन किया, तो पाया कि स्त्री विषय मुद्दे अगर हम ले लेते हैं ना, उसकी संख्या भूमंडलीकरण से पहले क्या थी और भूमंडलीकरण के बाद क्या। जैसे भूमंडलीकरण के पहले मैंने जो नमूना लिया था उसमें 21 महिला संबंधित विषय मुद्दे प्रकाशित थे, लेकिन वो बात भूमंडलीकरण के बाद है ना, वह संख्या जो है वह बढ़कर 70 से 80 के आसपास पहुंच गया। तो ये स्त्री विषय मुद्दे ही है, मान लीजिए वो समाचार पत्रों में है ना 1970 के दशक में 80 के दशक में उतने महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं थे, राजनीति संबंधित मुद्दे ही जो है समाचार के प्रमुख मुद्दे होते थे, लेकिन समाज में अब यह बात बदल गई है ना। अब विभिन्न तरह के मुद्दे समाचार पत्रों में जो है हम लोग देख सकते हैं, विश्व के अलग अलग कोने से हो रही घटनाएं हम देख सकते हैं, और स्त्री विषय मुद्दे है ना, महिला विमर्श संबंधित मुद्दे समाचार पत्रों में व्यापक स्थान पर। तो मेरे अध्ययन के समय भी, शोध कार्य के समय भी, तो मैंने देखा 80 और 90 का मैंने जो नमूना चयन किया उसमें केवल 30 या 20 20 25 समाचार पत्रों में स्त्री विषय आलेख प्रकाशित हुए, लेकिन भूमंडलीकरण के बाद यह संख्या जो 70 से 80 को क्रॉस कर गई। और ये तो केवल संख्या है, जो विषय भी आप अगर देखेंगे तो स्त्री पहले जहाँ स्त्री के जागरूकता को लेकर कोई आलेख नहीं है ना, जो समाचार पत्र आलेख भी प्रकाशित हो रहे हैं वो स्त्री हिंसा, महिला अपराध, दहेज प्रथा है ना, विधवा विवाह, सती प्रथा, इस तरह के मुद्दे प्रकाशित, लेकिन भूमंडलीकरण के बाद स्त्री को लेकर जो विषय प्रकाशित हो रहे हैं उसमें स्त्री पुरुषों के जो संबंध है उसको लेकर है ना, जागरूकता, महिला अधिकार, स्त्री विमर्श, लिव इन रिलेशनशिप, स्वतंत्रता, फेमिनिज्म, इस तरह के विषय प्रकाशित। तो यह जो बदलाव है ये केवल समाचार पत्र का बदलाव नहीं, यह भूमंडलीकरण के द्वारा समाज में आए बदलाव और उस समाज में आए बदलाव के कारण समाचार पत्रों के विचारों में आए बदलाव कर गया है। तो वह समाचार पत्र भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए शुरू हुआ था 1826 इस समय जो शुरू हुआ समाचार पत्र, वह 1990 आते आते 1990 के बाद आते आते कई विषयों में बदलाव के रूप में जो है प्रस्तुत होता है, व्यापक समय बदलाव आना लाजमी है, लेकिन भूमंडलीकरण के कारण किस तरह का बदलाव आया वह मैंने आपको एक स्त्री विषय मुद्दे के रूप में, इस तरह कई सारे मुद्दे धर्म को लेकर एक अध्ययन किया जा सकता है कि धर्म जो है समाचार पत्रों में किसी पर उपस्थित हुआ भूमंडलीकरण से पहले और भूमंडलीकरण के बाद ना। धर्म आज के समय हम जानते हैं कितना प्रचलित मुद्दा है, मीडिया में आज के समय का अगर आप डेटा निकाले है ना, चाहे वो टीवी डिबेट का हो, चाहे समाचार पत्रों में हो, चाहे राजनीति में हो, एक व्यापक विषय है। लेकिन समाचार पत्रों में भूमंडलीकरण से पहले धर्म को लेकर कितना स्थान, और धर्म से जुड़े मुद्दे आते थे वो किस प्रकार में आते थे, वो मुद्दे आज के समय वैश्विक विश्व में जो उपस्थित हो रहे समाचार पत्रों में संख्या बढ़ गई निश्चित रूप से, लेकिन उनको देखने का दृष्टिकोण
उसके विषय में आलेख लिखने का दृष्टिकोण या जो बदला है वह क्या भूमंडलीकरण के कारण है या क्या भूमंडली समाज के कारण है या भारतीय समाज के कारण है या एक अध्ययन का विषय। और अगर है तो समाचार पत्र अपना दायित्व किस रूप में निभा रहे हैं यह, क्योंकि समाचार पत्रों से गंभीर विवेचना की मांग की जाती है, वह एक ज्वलित डिबेट नहीं है, ज्वलंत मुद्दा नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है या कोई टीवी डिबेट नहीं है। समाचार पत्रों से मांग की जाती है कि बैठकर विवेचना की जाए, गंभीरता पूर्वक विवेचना की जाए, क्योंकि अभी भी समाचार पत्रों के संपादकों का व्यापक असर समाज में है। पर्यावरणिक मुद्दा है ना, पर्यावरणिक मुद्दा है, तो पर्यावरणिक मुद्दा है उसके माध्यम से भी हम समाचार पत्रों में भूमंडलीकरण का प्रभाव दे सकते हैं। और स्त्री विमर्श, पर्यावरण, बाजार किस रूप में उपस्थित हुआ है या कई सारे विषय हैं जिसमें जो है आप शोध को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन से पहले जो समाचार पत्र है ना, पहले धर्म के प्रचार के लिए फिर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए शुरू हुए थे, वह भूमंडलीकरण के बाद नई दिशा में चले जाते हैं। यह मेरे इस व्याख्यान का एक मेन बिंदु है। और मैं अपने इस छोटे से व्याख्यान में केवल ना इतनी ही बातें कहना चाहूंगा, और भी कई विषय हैं जिसको हम समय में आने वाले और परिचर्चाओं में हम लोग शुरू करेंगे, और कई सारी बातें रह गई है बताने के लिए भी, समय अवधि का ध्यान रखना पड़ता है, और इस कारण से इस परिचर्चा को आज यहीं पे खत्म किया जाएगा। और अगर आप कोई जिज्ञासा रहेंगे इस विषय संबंधित, कोई आपको और भी जानकारी, तो निश्चित रूप से मेरा संपर्क नंबर और ईमेल आईडी सब इस संस्थान के पास है, आप जरूर जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस विषय में हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस कार्यक्रम के लिए नरेश कुमार मिश्रा सर का विशेष धन्यवाद देता हूँ, महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी का विशेष धन्यवाद देता हूँ, मुझे अवसर दिया इसके लिए, धन्यवाद। धन्यवाद भाई रजनीश, और आपने हमारा ये छोटा सा अनुरोध स्वीकार किया और महाराष्ट्र राज्य अकादमी द्वारा चलाए गए इस श्रृंखला का आप एक हिस्सा बने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी योजना ये है कि डिजिटल फॉर्म में ये व्याख्यान तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे अध्ययन अध्यापन से जुड़े साथियों के लिए उपलब्ध रहेगा ही, आगे चल के हम इन तमाम व्याख्यानों को पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करने की भी योजना बना रहे हैं। तो इस तरह डिजिटल फॉर्म में और पुस्तक के रूप में, दोनों ही रूपों में ये सारे व्याख्यान संरक्षित रहेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक स्मृति के रूप में। साथ ही साथ पत्रकारिता से संबंधित, मुझे लगता है ये हमारा आज पहला व्याख्यान था जिस क्षेत्र को आपने छुआ है, निश्चित तौर पे ये सारे जो विषय हैं, हमारे जो शोधार्थी हैं, जो अध्ययन अध्यापन से जुड़े साथी हैं, निश्चित ही उन लोगों के लिए बड़ा संदर्भपूर्ण रहेगा, और उनके आगे के कार्य जो वो करना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत सारे संदर्भ स्रोत इसमें मिलते रहेंगे। मैं एक बार पुनः अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपकी अनुमति से आज का यह व्याख्यान समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रजनीश मिश्र, धन्यवाद।